खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जागरूकता के लिए एक वैन कलेक्ट्रेट पहुंची, जिसे जिलाधिकारी पुलकित खरे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन की खासियत यह है कि इसमें आधुनिक मशीनें लगाई गई, जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थ की मिलावट का परीक्षण किया जाएगा तथा लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर एडीएम संजय कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट गजेंद्र कुमार मौजूद रहे। शिक्षा विभाग की तरफ से है, आज एक वैन जनपद में रवाना करी गई है। ये दो दिन तक हमारे जनपद में रहेगी और अलग अलग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, चौराहों पे है, ये रह के प्रदर्शन करेगी लोगों के बीच। इसमें तमाम उपकरण और तमाम उस तरह के पदार्थ मौजूद हैं जिससे हम अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, चाहे वो दाल हो, सब्जियाँ हो, पनीर हो, शहद हो, इस तरह की जो चीज़ें हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जिनमें आजकल मिलावट बहुत पाई जाने लग गई है, उस मिलावट से कैसे उपभोक्ता बच सकें, उपभोक्ताओं के बीच में एक जागरूकता आए कि किस तरह से अपने घर में उपलब्ध चीज़ों से ही उसका टेस्ट करा जा सकता है, इसकी जानकारी ये वैन शहर के और जनपद के तमाम कस्बों में और हिस्सों में जाके लोगों को दे। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।